हमारे सनातन में शायद हम जब गुलाम थे तो हम लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए ये सारी चीजें बताई गई, भाई ये जाती है, ये वो जाती है। कहां वेदों में लिखा है चार वर्ण? कहां लिखा है बताओ? उपनिषदों में कहां लिखा है शो इट टू मी कि ये चार वर्ण होते हैं, ये चार जातियां होती हैं? कहीं नहीं लिखा। ये स्त्री होता है, ये पुरुष होता है, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। मंगलवार को दाढ़ी नहीं कटाना, ये कहां लिखा है? बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना, ये कहां लिखा है? ये सारे अंधविश्वास है, प्लीज इसको खत्म कर दो। और लोग कहते हैं मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त जिस दिन तुम्हारा दिमाग सही है वो दिन मुहूर्त शुभ है। जिस दिन खोपड़ी घूमी हुई है उस दिन मुहूर्त खराब है, ग्रह दशा भी खराब है, क्योंकि पूरी एनर्जी खराब है। तो बंद कर दो ये सब मुहूर्त देखना, ये करना, दिशा को भी बंद कर दो। मुझे ऐसी कोई दिशा बता दो जिसमें शिव ना हो, ऐसी कोई भी दिशा बता दो, ऐसी कोई भी दिशा जहां भगवान शिव ना हो मुझे बता दो, फिर उस दिशा में हम नहीं कुछ भी करेंगे। सारी दिशाओं में व्याप्त है। फिर कोई आके बोला रात को साधना नहीं करते, क्यों रात को क्यों नहीं करते? क्या दिन में करते हैं? मैंने कहा ये जो तेरा दिन है अमेरिका में रात है, अब बता क्या करें। हम जो शिव योगी हैं हम हायर डायमेंशन में चले जाते हैं। ये रात और दिन ये तुम्हारी थर्ड डायमेंशन का फिनोमेना है, थर्ड डायमेंशन, जहां पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, सूर्य घूम रहा है। क्या भगवान इससे नीचे का फिनोमेना है? क्या कॉन्शियसनेस इससे नीचे का फिनोमेना है? तो फिर ये रात और दिन का कहां से आ गया? जब समय मिला तब उसका नाम ले लो। एक भी श्वास तुम्हारी बेकार ना जाए, हर सांस में शिव हो, मेरी हर सांस में वो शिव है। रात भी आती है, दिन भी आता है।